अब ये डाल दिया है पानी, गर्म गर्म ही खाना चाहिए। अच्छा गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू लाइफ ऑफ शर्मा पटेल। कैसे हो आप लोग? आज मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है। एक्चुअली मैं व्लॉग स्पेशल डे पे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अब। अच्छा, रूही हाय कर रही है, आ जाओ हाय कर लो, हाय कर लो, हाय। इसको इसको मैंगो चाहिए, ये सुबह सुबह मैंगो मैंगो चालू अभी। ये क्या है? और ये बैठे हैं हमारे संदीप जी, जिनका आज जन्मदिन है। मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दो पापा जी को। थैंक यू बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल क्या? कल 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 क्या? कल केक। ओ कल केक, उसको पता है कि हैप्पी बर्थडे है तो केक मिलेगा। सो आज है संदीप का बर्थडे और प्रियंका कुछ स्पेशल बना रही मेरे लिए। स्पेशल मतलब मैं सोची कि शीरा बनाऊं मीठा, बट ये कह रहे हैं कि इनको आटे का हलवा खाना है, मतलब कड़ा। तो चलिए आटे का हलवा बनाएंगे अब हम। हाँ आगे बाबा इधर ही है। मंकी गल, ये तो चिपक नहीं, इसको उठना मतलब उठाओ, ऐसा बोल रही है मेरे को, उठाओ मेरे को। क्या करना है, क्या करना है? चलो मम्मा बनाना पापा जी के लिए। मैंगो कहाँ से लाऊं मैं? मैंगो ग्रेप्स खाना आपने? हाँ नहीं, ग्रेप्स खाने। ठीक है तो चलते हैं किचन में और हाँ चलो ग्रेप्स दे। हाँ देते हैं, एक बार बोल दिया तो देना ही है, वरना ये चिल्लाना शुरू कर देगी। तो चलते हैं किचन में और हलवे की तैयारी करते हैं। संदीप के लिए आज हम बनाएंगे कड़ा मतलब हलवा। सो मैंने आटा तो भून दिया है, जब तक मैं आटा भून रही थी संदीप कॉल पे थे, इसके लिए वो मैं शॉट नहीं ले पाई। सो आटा अच्छे से भून गया है और यहाँ पे मैंने रखा है चीनी वाला पानी, मतलब चाशनी नहीं है, जस्ट चीनी को बॉईल किया 2 कप पानी में। मतलब मैं कैसे बताऊँ, हाँ जैसे ये 1 कप मैंने लिया था आटे का और 1 कप से कम लिया था चीनी, बिकॉज मुझे चीनी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो चीनी मैंने 1 कप से कम ली है, मतलब 1 कटोरी से कम ली है। और 2 कटोरी मैंने ली है पानी की और घी भी ऑलमोस्ट 1 कप के आसपास होना चाहिए। पहले मैंने आधा ही डाला, उसके बाद मैं फिर से थोड़ा डालूंगी। ठीक है तो ये भुन गया आटा हमारा, घी भी चला गया है पैन में, अब हम इसको गर्म करेंगे फटाफट। इसको अच्छे से हम घी में पकाएंगे। सो ये वाला ना जो कड़ा, मतलब ऐसे तो मोस्टली ये गुरुद्वारे में बनता है, इसको कड़ा प्रसादी बोला जाता है। सो ये वाला मैंने ना लॉकडाउन था ना, तभी मैंने फर्स्ट टाइम संदीप को खिलाया था। संदीप ने फर्स्ट टाइम आटे का हलवा उस वक्त खाया था और संदीप को बहुत पसंद आया था, तो इसके लिए कभी कभी ओकेजनली मैं ऐसे बना देती हूँ ये वाला हलवा। सो आज तो संदीप का बर्थडे है, तो संदीप ने जब फरमाइश की है कि इनको ये वाला हलवा खाना है तो ऑब्वियसली बनाना ही पड़ेगा, है ना, एक्सक्यूज नहीं दे सकते आज हम ज्यादा। चलो अब ये डाल दिया है पानी। थोड़ा ही पानी डाला मैंने पहले, अगर मुझे लगा कि और डालना चाहिए तो हम डालेंगे, वरना अगर इतने में ही हो गया तो काफी हो जाएगा। मेरे हिसाब से डालना पड़ेगा, डालना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी 1 कप आटे में 2 कप पानी डलता ही है। थोड़ा और डाल देते हैं। मेरे पास किशमिश है, थोड़ी सी मैं किशमिश डाल रही हूँ और पिसा हुआ ड्राई फ्रूट रखा है मैंने, तो मैं पिसा हुआ ड्राई फ्रूट ही डाल रही हूँ। अगर आप लोग अखा डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। इसको हमने टेबल पे बिठा दिया क्योंकि मस्ती कर रही थी, ये वाला वो वाला सब वाला। क्या चाहिए रुही? क्या वो उतरने बोल, क्या चाहिए?
क्या चाहिए? कौन सा मोमो? क्या ये वाला नोजी में? ये वाला बन रहा है बच्चा, ये देखो बन रहा है। दो तीन इलायची भी हम डालेंगे इसमें, थोड़ा सा कूट के। सो ये हलवा हमारा रेडी है, क्योंकि ये साइड्स छोड़ रहा है ना, इसका मतलब ये हलवा अभी रेडी हो गया है। तो हलवा रेडी हो गया है, और संदीप को परोसने से पहले हम हलवा भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो पहला निवाला गया रूही के मुंह में। रूही तत्ता, पप्पा ने तत्ता तत्ता ही दे दिया गरम गरम। कैसा लगा? कैसा लगा? नाइस। रूही ने जवाब दे दिया नाइस, तो मतलब अच्छा ही होगा। नाइस, ओके चलो। अभी जवाब दिया नाइस तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इसके रिएक्शन अलग होते हैं, खाती नहीं है। और मांग रही हो तो। और अभी संदीप की बारी है। अलग बना है, अलग लग रहा है, लेकिन हमेशा के से अलग लग रहा है। आज बर्थडे वाला केक मतलब हलवा है ना, बर्थडे वाला हलवा है तो अलग ही लगेगा। सो हमने सोचा कि केक तो हमारे पास है नहीं, और हलवा तो हमने बनाया ही है, तो संदीप ने हलवे को सेट कर दिया एकदम। अब संदीप काटेंगे हलवा, चलो चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संदीप पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे रे रो, हगी हगी दे रही हुई तो, हगी हगी दे रहे हो आप तो। अरे मुझे लगता है जान आपको खाने नहीं मिलने वाला है, ये सारा का सारा रूही खाने वाली है। वो थोड़ी देर हाँ थोड़ी देर में उग जाएगी। चलो तो अभी हम खाते हैं। सो गाइस, फिर से हम किचन में आ गए हैं, और संदीप का बर्थडे है तो संदीप की पसंद की चीजें ही आज उन्हें खाने मिलेंगी। सो संदीप ने कहा था उन्हें कोरियन फूड खाना है, तो वो कह रहे थे कि चलो हम कोरियन फूड खाने चलते हैं। बट देन वी डिसाइडेड कि खाने चलने से अच्छा वाई नॉट वी मेक इट। सो हम लेके आ गए हैं कोरियन नूडल्स रामेन, जो आए तो ना हमने कभी ट्राई नहीं किए ये वाले चीज रामेन। सोचा क्यों ना यही बना लिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हमें मन था तुपोकी खाने का, तो हमने ना तुपोकी भी लेके आ गए। हम अभी जस्ट मार्केट गए थे इतनी धूप में, और तुपोकी भी लेके आए। वैसे मैंने सोचा था कि सॉस तो हम घर पे बनाएंगे, सिर्फ राइस केक लेके आते हैं, बट वो मिला नहीं, वो खत्म हो गया था, तो हमें ये लेना पड़ा। सो ये भी हम ट्राई करेंगे कि ये कैसा है, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम खाने वाले हैं, साथ ही साथ रिव्यू भी हो जाएगा, है ना, दोनों का ही एक्चुअली, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से। तो हमारे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं, और उसमें वेजिटेबल मिक्स डाल दिया। वेजिटेबल्स तो गिने चुने चार पांच, गिने चुने चार पांच, इतने थोड़े से हैं कि मैं गिन सकती हूँ। ओके, इस मैडम को बिठाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खाना देना पड़ता है। फिनिश हो गया तो इसका अभी खाना फिनिश हो गया, परेशान करेगी हमें। पेट है क्या पता नहीं, क्या रोगी टेक गिव। तो ये चीजी चीजी पाउडर आ गया इसमें, ये चीज है, ये क्या इतना है, पिंक कलर का है तो। हाँ तो पिंक इसमें डालोगे ना इन्होंने कुछ तो। चीज बिगनर प्लीज प्रेस योर, प्रेस योर क्यों भाई, क्यों प्रेस योर, ये क्या है? अच्छा बिगनर रहेगा तो इधर डालो, लो लवर रहेगा तो इधर इधर। अच्छा ये मार्किंग्स है, और चीज जिसको बहुत ज्यादा पसंद है तो इधर प्रेस करो, मतलब पूरा का पूरा डाल लो। हम तो चीज मेनिया ही है, हमें तो चीज भर भर के चाहिए। सो हमारा कोरियन नूडल तो तैयार हो गया है, अब हम बनाएंगे तुपोकी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो चम्मच है, और ये रहा इसका राइस केक, जो चावल का बनता है पर इसको राइस केक बोला जाता है। और इसमें क्या है, ये फ्रेश रखने के लिए रखा अंदर। और ये है इसका सॉस,
अगर ये सॉस इनफ पड़ा तो ठीक है, वरना ना अपन मेरे पास जो गोचुंग जंग है ना वो डालेंगे, है ना। सो नूडल्स हमारे रेडी हैं और ये सबसे पहले एक्चुअली ये बनना चाहिए था सूपी, बट हमने थोड़ा सूपी नहीं चाहिए था हमें ज्यादा, हमारे पास ये सूपी और ये, हाँ ये तुपो की हमारे पास सूपी है, ये संदीप खा के बताएंगे कैसा है। नया ब्रांड हमने कभी ट्राई नहीं किया है, ऐसे तो संदीप ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते, बट तुपो की तीखी है क्योंकि मैंने इसका सॉस टेस्ट किया था और मैंने इसमें थोड़ा सा अपना गोचुजंग भी डाल दिया है, बहुत ज्यादा तीखा। ये लीजिए, गरम 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 ही खाना चाहिए, मस्त है, अच्छा है, तीखा है, तीखा है, मस्त है ना, मतलब मैंने जो सॉस डाला वो अच्छा ही किया है ना, क्योंकि पहले इतना वो सॉस वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, मतलब जो मैंने बाहर खाया है तो वो भी वैसा, बट ये कुछ अलग है और संदीप को मजा आया तो है ना, और खाना संदीप को पसंद आया, हैप्पी बर्थडे टू यू, देखा। तो ये और चाहिए इनको, मेरे देर तो देख रहे हैं, अभी हम मैं टेस्ट कर लेती हूँ, चलो। राइस केक जो है बहुत चुई है, इधर ये और करे जा रही है ना बीच में, और मिलेगा तो राइस ऊपर लो ना, राइस केक है ना बहुत च्यूई है और उसका सॉस एक्चुअली बहुत टेस्टी लग रहा है, मतलब हम लोग नूडल्स का कॉम्बिनेशन डाल के ये खा सकते हैं, मस्त लग रहा है, सॉस बहुत सही है, वाह। तो हम इंजॉय करते हैं अपना मील, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो ऑर्डर करिए और खाइए। वैसे ये ब्रांड कौन सा है, आई डोंट नो, इसका ब्रांड का ना यूपो की लिखा है, ये क्या हम दिखा देते हैं, ये यूपो की लिखा है, खाना हो खा सकते हैं, और इसमें वेज मिला, अदरवाइज जो हमने पहले खाया ना, ये सामयंग या नॉन्गशिम का खाया है, वो पहले नॉनवेज था, वो नॉनवेज था, ये हमें मिल गया है वेज में, और इसमें ना दो फ्लेवर वेज में है, एक जजांगम्यांग है, तो ये वाला हमने ट्राई किया, ओनली फॉर 295 रुपीज, हाँ 295 का है ये, 400-500 नहीं नहीं 400 का, तो मैं वो बोल रही थी सिर्फ राइस के एक पैकेट लेके आते ना, तो सॉस मैं खुद बनाती थी, वो कभी ट्राई करूंगी, सिर्फ राइस केक का पैकेट लेके आऊंगी, जो ये है ना, ये इसका पैकेट मिलता है, सॉस नहीं होता उसमें, तो सॉस हम खुद बना लेंगे क्योंकि मेरे पास गोचुजंग पड़ा है ना, चलो भी हम खाते, ठंडा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा मड केक, जिसको एक्चुअली हम लोग ने ऐसे डबल बॉयलर करके, मतलब स्टीम करके हमने इसको पिघलाया है, और कहाँ गए, और ये रहा हमारा मैंगो पेस्ट्री। सो संदीप के बर्थडे के लिए हमने सोचा कि पेस्ट्री और मड केक जो हमारा फेवरेट है, और संदीप का भी फेवरेट है ना, हाँ जी, अच्छा हैप्पी बर्थडे करना आपने, चलो तो अभी खाएंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे हम, वेट, देखो पापा जी दे रहे, वाह 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 वाह, क्या सही लग रहा है, एक्चुअली ओवन नहीं है तो हमने इसी तरह से इसको मेल्ट किया है, और ये बहुत टेस्टी यम्मी लग रहा है, तो अभी हम इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, चलो चलो चलो, रुई तो ऐसे भाग रही है फटाफट, उसको केक खाना है, कब से वो केक कर रही है। Happy birthday to you, happy birthday to you, how's it Rui? Nice, oh nice, देखो तो हम निकाल लेने हैं, हम यस नाइस, सो हम अभी एंजॉय करते हैं अपनी मैंगो पेस्ट्री एंड मड केक, मैं तो शायद मड केक पे टूट पड़ूंगी क्योंकि मेरा फेवरेट है, ये वाला लेना, वो तत्ता है, गरम है अभी, रुक जाओ, पापा जी हैप्पी बर्थडे माय बेबी, थैंक यू, सो संदीप का बर्थडे से सिंपल तरह से आज हमने मनाया, उम्र हो गई तो कुछ स्पेशल होना भी नहीं चाहिए, हाँ वो ऐसे उम्र हो गई नहीं है, एक्चुअली बच्चा है साथ में, बच्चा। और जाए भी तो कार जाए बच्चा लेके,
और इसलिए भी हमने सोचा कि घर में ही हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे ऐसे ही, जो हम लोग डेली नहीं करते हैं एक तरह से. जैसे हमने कोरियन नूडल्स बना दिया, मतलब हलवा तो बनाते ही थे, लेकिन संदीप का स्पेशल, संदीप के लिए स्पेशल या हलवा बनाया. सो आई होप संदीप को थोड़ा बेटर लगा, है ना, लगा. यस मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, राजा जैसा फील. बहुत अच्छा लगा, बेटर तो नहीं, बहुत अच्छा लगा. राजा जैसा फील तो हमेशा होता ही है, बर्थडे के दिन ही सिर्फ. ए हेलो, ऐसा नहीं है. सो ऐसे हम तीन, मतलब दो ही जने थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मड केक जो हमारा फेवरेट है वो हम लोग खाएंगे, और मैंगो पेस्ट्री क्योंकि सीजन है और हमारी रूई को मैंगो बहुत पसंद है, बार-बार मैंगो मैंगो करती रहती है, तो ने चलो ले लेते हैं. और विद रूई मुंह देख रही है जान आपका, आप खा रहे हो तो. So, चलो अभी ये करके ना ये खत्म कर दिए और इसको कुछ नहीं मिलेगा फिर. मैं इधर व्लॉग करती रहूंगी और ये लोग खा रहे हैं, ये खत्म कर देंगे दोनों जन मिलके. सो मैं वही बोल रही हूँ कि अभी हम ये, इससे तो हमारा शायद पेट भर ही जाएगा, ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, पर देखते हैं फिर क्या करना है डिनर का. मन तो नहीं है करने का, सिर्फ रूही को खिलाएंगे हम कुछ एंड उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए और फिर देखते हैं. सो गाइज हम आ गए हैं घर पे वापस, मतलब पहले मैं मेरे घर पे थी, अब मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल में. सो रूही को बहुत 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 मुश्किल से हमने सुलाया है, अब जाके आई होप उठ ना जाए हमारी आवाज़ से. और अभी सोचा कि फिर हमें फिर याद आया कि हमने ब्लॉग एंड ही नहीं किया है, तो हमने सोचा कि चलो ब्लॉग एंड कर देते हैं, वरना आधा अधूरा ब्लॉग ही लगता है हमारा, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड करना ही भूल जाते हैं हम. सो संदीप का बर्थडे खत्म होने में अभी 15-20 मिनट है. यू वांट टू से और कुछ भी, मतलब 15 मिनट है आपके पास, उसके बाद तो मेरा ही राज चलेगा. ऐसे भी तुम्हारा ही राज चला है आज, तो सिर्फ नंबर आज, मतलब ठीक है यार, मोहब्बत से मेरे को जो चाहिए तो मैंने खा पी लिया, तो ऐसे भी अब तुम्हारा ही राज चलने वाला है, मेरा ही चलता है. तो आप लोग एक मिनट, मैं आपको खुश रखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ही चलता है तो आप दुखी हो, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, दुखी हो क्या, तो फिर मैं जो देखो भाई सच सच बता दो पब्लिक को कि मैं क्या आपको दुख दे रही हूँ. दुखी बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोग मेरा एक्सप्रेशन पे मत जाओ, मुझे नींद आ रही है. जो भी ये ब्लॉग देख रहा है, संदीप का बर्थडे है एंड मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं संदीप को आपसे गिफ्ट चाहिए. प्लीज सबसे बड़ा गिफ्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए. पहाड़ी कॉर्नर को जैसे आपने इतने सारे सब्सक्राइबर पहाड़ी कॉर्नर में आ गए, पर व्यूज़ आई डोंट नो क्यों नहीं आते, बट एटलीस्ट इस चैनल पे सब्सक्राइबर आ जाए, व्यूज़ आ जाए. प्लीज़ 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 ये गिफ्ट, हमने आपके लिए कंटेंट भी पूरा चेंज किया है, आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे शॉर्ट्स देख ही सकते हो, शॉर्ट्स देखिए, कॉमेडी कॉमेडी शॉर्ट्स और कुछ कंटेंट अगर आपको मिले ना ऐसा कॉमेडी बनाने के लिए, तो प्लीज़ शेयर करिए. हाँ, यू कैन डीएम अस ऑन आर इंस्टाग्राम चैनल, विच इज़ यू कैन शेयर इट ऑन लाइफ ऑफ शर्मा पटेल इंस्टाग्राम में, या फिर संदीप की आईडी पे जाइए या फिर प्रीमेरे आईडी पे जाइए, कहीं हमारे ये ब्लॉग्स के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको. यस मिल ही जाएगा. सो जाइए और हमें इंस्टाग्राम में डीएम करिए और बताइए कि हम कौन सी वीडियोज़ बनाएंगे, है ना. ठीक है, सो गुड बाय, गुड नाइट.